ओम शांति। बाबा ने आकर हमें माया को जीतने की शक्ति प्रदान की है और साथ साथ टाइटल भी दिया, बच्चे तुम माया जीत हो। तो हमें काम को जीतने का जज्बा अंदर में होना चाहिए। काम वासना चाहे कितनी भी प्रबल हो, लेकिन हमारे साथ ईश्वरीय शक्ति है, हमें उस शक्ति के बल से इस माया को हराना ही है। इसलिए पहली चीज है, स्वयं से दृढ़ प्रतिज्ञा कर ले, मुझे पवित्र बनना है। इस काम महावैरी ने मेरा सब कुछ छीन लिया है, मेरा राजभाग्य नष्ट कर दिया है, अब मैं इसे नष्ट करूंगा। ये संकल्प, ये प्रतिज्ञा हमें बल प्रदान करेगी। हम जानते हैं कि केवल प्रतिज्ञा करने से काम वासना को नहीं जीता जा सकता। दूसरी प्रैक्टिस हम रखेंगे, मैं आत्मा परम पवित्र हूँ, मैं पवित्रता का देवता हूँ, देवी हूँ, पवित्रता का सूर्य हूँ, मैं देव कुल की पवित्र आत्मा हूँ। अपने देव स्वरूप को याद करेंगे, पवित्र संस्कार जागृत होते जाएंगे। तीसरी प्रैक्टिस, बहुत अच्छा योग अभ्यास, क्योंकि बिना योग बल के माया को जीतना संभव नहीं है। फिर भी हम याद रखेंगे कि माया को एक दिन में नहीं जीता जाता। काम के कोई भी संकल्प आपको आए, उसे दूर करते चलें और आगे बढ़ते चलें। निराश होने की आवश्यकता नहीं कि ये संकल्प हमें क्यों आ रहे हैं, क्योंकि काम को संपूर्ण रूप से जीतना ये एक लंबी यात्रा है। कुछ भी डिस्टरबेंस नींद में भी होता है, उसको जल्दी से जल्दी समाप्त करके आगे बढ़ें। तो हमें माया जीत बनना है, और जिन्हें इस माया को जीतने का दृढ़ संकल्प होता है, बाबा की बहुत ज्यादा मदद उन्हें मिलती है। इसी के लिए बाबा कहते हैं, जो हिम्मत रखते हैं उनको बाबा की बहुत मदद मिलती है। लेकिन हमें एक चीज ध्यान रखनी है, वासनाओं से जुड़े हुई जो चीजें हैं उनका हमें पूरी तरह त्याग कर देना है। चाहे खान पान, चाहे गंदी चीजें देखना, पिक्चर्स देखना, गंदे चित्र देखना, उसके बारे में चिंतन करना, उसको एंजॉय करना। कोई सोचे हम कर्म थोड़ा ही करते, हम तो केवल संकल्पों में एंजॉय करते हैं, ये भी काम वासना से हार है और इससे भी ये वासनाएं जागृत हो जाती हैं। इसलिए आओ हम सभी पवित्रता को एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करें। हमारा महान कर्तव्य है इस संपूर्ण प्रकृति को भी पावन बनाना। इस समय चारों ओर दूषित वायुमंडल फैला हुआ है, हमारा ये मूल कर्तव्य है, हम इस वायुमंडल को पावन करेंगे। अन्यथा क्या हो रहा है, बच्चे, युवक और बूढ़े सभी के अंदर वासनाएं बढ़ती जा रही हैं। इससे संसार में अनैतिकता का भयानक दौर चल रहा है, मानव ने मानवता खो दी है, कोई कुछ भी करने पर उतारू है। अनेक जगह ऐसे केस आप सुनते ही होंगे जिसमें मनुष्य अपनी वासनाओं के अधीन होकर अपने बच्चों से भी गलत कार्य कर लेते हैं। तो हमें इस वातावरण को योग बल से समाप्त करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। साथ साथ हम ये भी याद रखेंगे, हम आधार मूर्त हैं, हमारी प्योरिटी इस संसार को पावन बनाएगी। हमारी स्थिति सृष्टि की स्थिति उत्पन्न करती है, जैसी हमारी स्थिति वैसी ही सृष्टि की स्थिति होती है। तो आइए हम माया जीत बनने का दृढ़ संकल्प करें। हम माया को नहीं जीतेंगे तो भला कौन जीतेगा। चलते चलते माया से हार खानी नहीं है, प्रतिज्ञा में अपने को बांध लेना है, कुछ नियमों में अपने को बांध लेना है। नियमों में बंधा हुआ मनुष्य काफी सुरक्षित हो जाता है, जो नियम नहीं बनाते वो ढीले रहते हैं, अपने को लूज कर देते हैं। तो हम सभी आज बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, मैं पवित्रता का देवता हूँ, पवित्रता का सूर्य हूँ, और परम धाम में पवित्रता के सागर बाबा, हम आत्मा बनकर उड़कर चलेंगे परम धाम, पवित्रता के सागर की पवित्र किरणों के नीचे बैठेंगे, उनसे पवित्र किरणें रिसीव करेंगे कुछ देर,
स्वयं में पवित्र किरणें भरकर वापिस आएंगे देह में चार ओर फैलाने के लिए। मस्तक सिंहासन पर बैठेंगे और फील करेंगे मुझसे चार ओर पवित्रता की सफेद किरणें फैल रही हैं। फिर ऊपर चलेंगे, बाबा से पवित्र किरणें भरेंगे, नीचे आएंगे फैलाएंगे। ये अभ्यास आज सारा दिन चालू रखेंगे। ओम।